नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो सेंट्रल न्यूज़। मैं हूं राहुल कुमार। अब खबरें विस्तार से। चीन से फैले कोरोना वायरस के प्रकोप ने दुनिया भर के 67,000 से ज़्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने पिछले साल इस बीमारी के सामने आने और इसके लिए जिम्मेदार कोरोना वायरस के कारण इसे COVID-19 नाम दिया है। प्रत्येक सरकार के स्वास्थ्य अधिकारियों के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक शनिवार तक चीन में 1,523 लोगों की मौत हुई और 66,492 मामलों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबद्ध भारतीय किसान संघ ने कहा कि सरकार के तमाम उपाय ना तो किसानों की समस्याओं का निदान खोज पाए हैं और ना ही उसे आत्मनिर्भर बना पाए हैं, बल्कि समय के साथ किसान गरीब और लाचार होता जा रहा है। भारतीय किसान संघ के महामंत्री बद्री नारायण चौधरी ने यहाँ कृषि के विकास में समकालीन चुनौतियों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की जानकारी देने के लिए आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में यह बात कही। चौधरी ने कहा कि उनका संगठन किसानों की ऋण माफ़ी की मांग का समर्थन या विरोध दोनों ही नहीं करता है। उनका मानना है कि किसानों के ऋण की माफ़ी उनकी समस्या का समाधान नहीं है। इसकी बजाय सरकार को ऐसी स्थिति बनाने की ज़रूरत है कि किसान को ऋण ही ना लेना पड़े। उन्होंने कहा, भारत का किसान खिलाकर खुश होता है, खाकर नहीं, लेकिन किसान को कर्ज का कुचक्र घेरे हुए है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शनिवार को कहा कि अर्थव्यवस्था में ऋण उठाव गति पकड़ रहा है। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में नीतिगत दर में कटौती का नीचे तक लाभ और तेजी से पहुंचेगा। उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब अर्थव्यवस्था की वृद्धि को लेकर चिंताएं साथ हैं। साथ ही मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ा है, जबकि औद्योगिक उत्पादन में नरमी देखी गई है। दास ने कहा कि ऋण उठाव की गतिविधियों में गति आई है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले महीनों में ऋण उठाव की वृद्धि दर बढ़ेगी। रियो ओलंपिक में पहलवान नरसिंह यादव के विवादास्पद डोप प्रकरण से सबक लेते हुए राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने फैसला किया है कि इस साल टोक्यो ओलंपिक में वही खिलाड़ी उतर पाएंगे जो 3 डोप टेस्ट पास करेंगे। नाडा के महानिदेशक नवीन अग्रवाल ने एक विशेष बातचीत में कहा कि ओलंपिक के जो संभावित खिलाड़ी हैं और जो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, उन्हें 3 बार डोप टेस्ट से गुजरना होगा, यानी उन्हें ओलंपिक जाने से पहले 3 डोप टेस्ट पास करने होंगे। अग्रवाल ने कहा, अभी तक कई खिलाड़ियों का एक टेस्ट हो चुका है और कई का 2 बार डोप टेस्ट हो चुका है। लगभग सभी डोप टेस्ट ठीक रहे हैं। 2-3 मामले पॉजिटिव आए हैं तो उन्हें ओलंपिक सूची से बाहर कर दिया गया है। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में इतना ही। अन्य देश विदेश की तमाम खबरों से रूबरू होने के लिए सुनते रहिए रेडियो सेंट्रल न्यूज़।